मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सबके बीच में हैं, आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र की को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है, उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही,
उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 380,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या और 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पावर्टी लाइन में आ गई, बिलो पावर्टी लाइन से निकल गई, ये भी हमारे सामने। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% पर लाकर के खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना, मैं यहाँ बार बार सुनाता हूँ और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहाँ हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब, आपके यहाँ एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2,
अब बताओ इसको किसको दें। और मेरे लिए प्रश्न उठता था कि ये किसको दें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार मैं किसके दूंगा। मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो। लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके आपको लगता होगा हाँ गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आ करके चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमण पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गांव की बहनें झुंड के झुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नेशनल हाईवे से होते हुए गांव और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था। दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी, सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम और लाइफ विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, वुमेन डिग्निटी, इसकी चिंता अगर हुई तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो भी हम सबके ध्यान में। जैसा मैंने कहा, आज हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, और क्लियर मैंडेट आपने दिया उसका क्लियर नतीजा निकला, और वह नतीजा ये है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था, और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की, और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी, वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए, लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज त्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आज़ाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन
और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही फॉर 30 ईयर्स, 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके, और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से कार्य। मैं मजबूत नेतृत्व का एक प्रमाण और एक विषय जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये कोविड जब आया तो शायद ये शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था। दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा, दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। आपको पता है बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है। और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया, और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था वहीं 2 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया, और फिर कहा जान भी है और जहान भी है, और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए। और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया, इस बात को भी हमने देखा। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टेटनस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई, लेकिन कोरोना प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया, और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई, यह भी हम लोगों ने देखा, और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा। मित्रों, हमारे अभी आदरणीय राजनाथ जी मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र के बारे में आपके सामने सारी बातें रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। और यहां मैं स्वास्थ्य से जरूर जुड़ा हुआ विषय जरूर कहूंगा। अब मैं जब स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया 2014 में, और जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहां हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैं, ये फॉलो करने वाले देश हैं। और उस समय बात चल रही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बातचीत चल रही थी। हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएचसी में कभी कुछ कर सकेंगे, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 50 से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारियों से लड़ने का, और आज वो सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का, वह भी हमने देखा। और उसके अगली बार जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो सब ने कहा
प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट आयुष्मान भारत। तो ये एक हमने दुनिया के चित्र पर भी देखा कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया गया बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि आज जो संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा वह एक लंबी छलांग भारत को विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा, यही मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद।